हम नवदेव सिंह है और मैं अमरोठी का रहने वाला हूँ। तो आज मुझे सुनने में आया कि अमरोठी में एक प्रेस वार्ता हुई, जिससे सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। और उन्होंने बोला है कि वहाँ पर कुछ जो गैर पॉलिटिकल लोग जो हैं वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि अमरोठी में 70 साल हमने जद्दोजहद करने के बाद हमें एक बैंक मिला और एक हॉस्पिटल मिला, और जिसमें रणजीत सिंह पटोल जी ने इसके लिए पूरी कोशिश की और दिन रात मेहनत करते रहे, और उन प्रयासों की वजह से आज हमें बैंक ब्रांच मिली और हॉस्पिटल मिला। और मुझे सुनने में वहाँ पर कुछ लोग जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जो बैंक ब्रांच जो है वो रणजीत सिंह अपने घर के लिए बना रहे हैं। लेकिन जी, मैं इसकी निंदा करता हूँ, भरपूर मैं निंदा करता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें पार्टी में मैं नहीं हूँ, मेरे बाप श्री छत्र सिंह जी उन्होंने जहाँ पर टेंडर लगाया हुआ था, और हम 7 लोग थे, और जिसमें माँ चंद जी थे, ललता जी थी, तिलकराज जी थे, और एक विजय कुमार जी थे, और विष्णु गुप्ता जी थी। और उसके बाद जहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बैंक की होती है, हमने उनको बोला भाई हमने जो टेंडर लगाया हुआ है वो तो आप मौके पर जाकर उसका निर्णय जाकर वहाँ पर क्या मौके पर जाकर आप वहाँ पर मौकों से मुलाजा किए, और जाकर वो वहाँ पर टीम गई और उन्होंने जितने भी टेंडर लगे हुए थे उन सब लोगों का उन्होंने बारी बारी जगह जो थी उनको देखा। और देखने के बाद क्या हुआ कि बाकी वाली जो जमीनें थी वो साइड थी, कोई नाले के पास थी, कोई जहाँ साइड पे थी, और उन्होंने बोला भाई जो 2 जमीनें हैं ये सूटेबल हैं जो सेंटर प्लेस में आती है, एक थी ललता जी की थी और दूसरी मान चंद जी की थी, और उन्होंने बोला ये 2 जमीनें जो हैं इनको हम सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि या तो ललता जी की जमीन का हम चूज़ करते हैं या तो मान चंद जी चूज़ करते हैं। तो इनको उन्होंने बोला कि हमें भाई पूरे जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, और इन्होंने पूरे जो डॉक्यूमेंट जो थे उन्होंने मांगे। और उसके बाद लता जी ने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं ये बैंक बना नहीं सकती हूँ। और उसके बाद मानचंद जी ने उन्होंने बोला और उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो उनको प्रोवाइड किए, और प्रोवाइड करने के बाद उन्होंने आज वो बैंक जो ब्रांच होती उन्होंने जो आज बिल्डिंग उनको 1 महीने का टाइम दिया था, और 1 महीने के अंदर उन्होंने वो बिल्डिंग तैयार कर दी है। और जो लोग बोल रहे हैं कि 300 मीटर रोड के जो 300 मीटर जो है ये बिल्डिंग जो बना रहे हैं, मैं ये मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ 150 फुट के दायरे के अंदर है, और जो रोड जो निकाला जा रहा है वो हॉस्पिटल के लिए निकाला जा रहा है। ये लोग जो है जो जहाँ पर जो उनके साथ जो मैंने देखा पिछली बार जो श्रीमंत हिमराज जी जिन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जब पानी। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ दिव्या गुडो जी जब की जहाँ हमारी जो क्या बोलते हैं इनको बनी हुई है सीमेंट बनी हुई है, और इन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ के लिए हमें 70 साल के बाद हमें क्या मिला हॉस्पिटल मिला, और उसके साथ हमें बैंक ब्रांच मिली, और ये लोग जो है जो काम नहीं होने दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि जैसे हमारे पिछले इलाके 70 साल हमने इन चीज़ों की वजह से हम परेशान रहे, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जो डेवलपमेंट जो रुकी हुई है हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि हमें क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं। जो रोड का जो उन्होंने मतलब निकाला हुआ है, ये रोड जो निकाल रहे हैं ये हॉस्पिटल के लिए निकाल रहे हैं, और इसका जो है टेंडर भी होने वाला है, ये 37 लाख रुपये का टेंडर लगा हुआ है, और ये जो रोड है ये रोड जहाँ पर जो जमीन जो बोल रहे हैं जो जमीन जो सरकारी जमीन है वहाँ पर कल मौके में मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर पटवारी साहब जी गए हुए थे, और पटवारी ने इनको बोला कि ये रास्ता है और रास्ता जो 100 फुट के नज़दीक बिल्कुल जो है जमीन के पास जो है हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के लिए हम रोड निकाल रहे हैं, और अगर इन लोगों की जमीन अगर आती भी है तो इनको मुआवजा मिलेगा। हम किसी के साथ कुछ जल्दी कर रहे हैं और ये सिर्फ पॉलिटिशियन कर रहे हैं, और मैं ये मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ इसमें किसी किस्म की कोई भी जो है क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई अपने घर के लिए नहीं कर रहा है, हम डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बैंक ब्रांच जल्दी से जल्दी मिले। अगर इसमें भी इनको कुछ शक शुभ है कि रणजीत सिंह जो है अपने घर के लिए बना रहा है, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कल हमें ये जहाँ हम डिस्ट्रिक्ट जो DGM के पास आए और उनको जो उन्होंने बोला है बिल्डिंग जो है बना कर दें, और बिल्डिंग बनाने के बाद हमें बैंक ब्रांच चाहिए, हमें बैंक ब्रांच चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। अगर रोड के साथ बनाना चाहते हैं, जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये बिल्डिंग जो है जल्दी से जल्दी बना कर दे, हमें बैंक चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। और बाकी मैं जो इन्होंने रोग लगाया रणजीत सिंह पर रोग लगाया जो निर्णय जो गलत है, मैं तो कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ, और जो काम हमारी अमरोठी पंचायत के लिए रणजीत सिंह जी ने किया है मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी हम इन लोगों को हम नहीं देखेंगे, हम आगे भी हम अमरोठी पंचायत के लिए हम दिन रात मेहनत करते रहेंगे जो डेवलपमेंट के
चाहे हमें किसी भी कठिनाई से गुजरना पड़ेगा, अगर हम लोगों के साथ कोई भी जुदजात नहीं होगा, अगर किसी की जमीन आती है तो उसको हम मुआवजा दिलाने के लिए दरबार में करेंगे और उनको मुआवजा दिलाएंगे जो जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। और जो आने वाले श्रमिक जो हिमराजी हैं, जो इनको बेवकूफ बना रहे हैं, इनको जो हाल का फिक्रा जो अभी 2.5 साल हो गए, ये इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और इनकी शब्दों के साथ मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जो रोग रंजीत सिंह पर निर्णय जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें मैं भी पार्टिसिपेशन हूँ, मैंने भी उस बैंक का तो मैन ऑफ टेंडर लगाया हुआ था, और ये बिल्कुल पीसफुल बिल्कुल रेती कलियर है। जय हिंद।